अभी मुझे सूचना मिली है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अगली मॉर्निंग पुराने पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अभी हुआ कि किसी भी हालत में राया सिंह को जेल में डाला जाए या तड़ी पार दिया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इन्फॉर्मेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं, और जो धर्म को ललकारेगा जिस भाषा में वो समझेगा उस भाषा में राजा सिंह नहीं भारत का हर वो हिंदू हर वो दुश्मन को जवाब देगा। साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंजाब। दोस्तों, इस देश में दो तरह की राजनीतिक पार्टियां होती हैं, एक जो चुनाव लड़ती है, जीतती है और सरकार बनाती है, दूसरी जिसका चेहरा नहीं होता लेकिन वो जीतने वाली सरकार को जिताने में अपना पूरा योगदान देती है, जमीनी स्तर पर मेहनत करती है, हर वो संभव प्रयास करती है जिससे उस पार्टी को जिताया जा सके, और वो जीतती भी है सिर्फ उसी पार्टी की वजह से जो जमीन पर मेहनत कर रही होती है उसके लिए। आपको बता दें, तेलंगाना के अंदर जो कुछ भी हुआ, बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद पर एक बयान दिया, एक विवादित बयान का वीडियो जो वायरल हुआ, उसके बाद हैदराबाद का माहौल खराब हुआ, टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद बेल भी मिली, उसके बाद माहौल इतना खराब हो गया, मुस्लिम समाज इतना भड़क गया, जहां देखा गया कि प्रदर्शन के दौरान दंगे भी भड़ गए, पुलिस ने घरों में से निकाल निकाल कर मुसलमानों को बेरहमी से मारा। लेकिन वहीं ठीक जुम्मे से पहले पुलिस ने टी राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। आप स्क्रीन पर यह वीडियो देख पा रहे होंगे, टी राजा सिंह के घर पुलिस पहुंचती है, टी राजा सिंह को घसीटती हुई अपनी वैन में डालती है और ले जाती है। आप आज तक की ये खबर देखिए, जहां लिखा है कि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की फिर से गिरफ्तारी, गिरफ्तारी हो चुकी है, पीडी एक्ट के तहत टी राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले तमाम केसों को निकाला गया है, टी राजा सिंह के ऊपर पहले कई मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर अब तेलंगाना पुलिस ने टी राजा सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये तो होना ही था, जहां पर देखा जाता है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करती है, नफरत का पौधा किस तरीके से बोती है, ये साफ तौर पर टी राजा सिंह की वो तमाम वीडियोज के तहत हम समझ सकते हैं। आपको बता दें कि टी राजा सिंह को शायद पहले से ही ये खबर थी कि उसकी फिर से गिरफ्तारी होने वाली है। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह, जिन्होंने एक और वीडियो बनाया और हिंदुओं को भड़काने का एक बार फिर से प्रयास किया, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद मुसलमान तो भड़का ही, लेकिन उस आग को चार गुना हिंदुओं के जहन में भड़काया गया। ये बोला गया कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि टी राजा सिंह जैसे लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, और यही प्रयास फिर से किया गया। टी राजा सिंह अपनी इस वीडियो में बोलते हुए नजर आए गिरफ्तारी से ठीक पहले कि मैं मुझे गोली मार दो, जेल में डाल दो, सूली पर चढ़ा दो, लेकिन अपने धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। इस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को इतनी आग दी गई, इतनी ज्यादा चिंगारी लगाई गई ताकि हिंदू समझ जाए कि उनका धर्म खतरे में है। एक नजर टी राजा सिंह की इस वीडियो पर। अभी मुझे सूचना मिली है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अगली मॉर्निंग पुराने पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस,
क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अब ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राया सिंह को जेल में डाला जाए या तड़ी पार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं। और जो धर्म को ललकारेगा, जिस भाषा में वो समझेगा, उस भाषा में राजा सिंह नहीं भारत का हर वो हिंदू, हर वो दुश्मन को जवाब देगा। देखा आपने, इस शख्स ने हैदराबाद में नफरत का पौधा कैसे बोया, ये साफ तौर पर पैगंबर मोहम्मद की वीडियो और उसके बाद ये वीडियो के तहत आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बीजेपी की जहां जहां सरकार होती है वहां धर्म की राजनीति पर सरकार बनती है और टिकती भी है, लेकिन जहां सरकार नहीं होती है उस राज्य में भी धर्म के दंगे भड़काए जाते हैं, ये तेलंगाना साफ तौर पर दिखा रहा है। आपको बता दें कि ठीक जुम्मे से एक दिन पहले टी राजा सिंह की गिरफ्तारी होती है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं और वो बोलते हैं और अपील करते हैं हैदराबाद के लोगों से कि जुम्मे पर शांति बनाए रखें, कोई भी नारा ना दे। तमाम लोगों के माँ बापों से, बच्चों के माँ बापों से अपील करते हैं अपने बच्चों को संभालें और हैदराबाद के लोगों को बोलते हैं कि भाईचारा बनाए रखें, हैदराबाद की शांति को बनाए रखें, बीजेपी का कोई भी एजेंडा पास ना होने दें, बीजेपी के तमाम एजेंडे हैदराबाद में अपनी शांति से फेल कर दें। असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो। आज पिछले तीन दिनों से हम तमाम की मेहनत और कुर्बानियों की वजह से अल्लाह सुबहाना व तआला के करम और फजल से आज हुकूमत तेलंगाना ने उस बीजेपी के रुकन असेंबली को पीडीआर के तहत गिरफ्तार करके उसको जेल को भिजा दिया। हमारा सबसे बड़ा यही डिमांड था कि जिस शख्स ने इस तरह की वाहियात और बकवास की है उसको फौरन कानूनी तौर पर गिरफ्तार में लाई जाए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पीडीआर के तहत एक रुकन असेंबली को गिरफ्तार करके जेल को भिजा दिया गया है। मेरी आप तमाम से दूसरी गुजारिश है कि कल जुमा है और जुमा ईद उल मोमिनीन होता है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पुरमन तरीके से अपने पूरे अफराद खानदान के साथ अपने महलों की और मुखामी मस्जिद में नमाज जुमा को अदा करिए। और हम तमाम की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस पुरमन तरीके से हमने एहतजाज किया और हमारे एहतजाज की बिना पर खाती को जेल भिजाना पड़ा, इसी तरीके से हमको ये कोशिश करना है कि हमारा कल का जुमा पुरमन तरीके से गुजर जाए। मैं ख़ास तौर से बुजुर्गों से और हमारी माँ और बहनों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो अपने औलादों की, अपने नौजवान बच्चों की भी सरपरस्ती करें। और आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि नमाज जुमा के बाद हम कोई ऐसा नारा ना लगाए, ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आए जिससे हमारे दीगर अपनाए वतन को तकलीफ हो। याद रखिए, हमारा पुरमन एहतजाज था, इसीलिए हमने बीजेपी और संघ परिवार और स्थायी ताकतों को हमने शिकस्त दे दी। मैं शहरियान हैदराबाद को और तेलंगाना में बसने वाले गयूर आवाम को बताना चाहता हूं कि माजी में बीजेपी ने ऐलान किया था कि हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये हमेशा से इनके अजायम हैं, ये हमेशा से नफरत की निगाहों से हैदराबाद की तरक्की को, हैदराबाद की भाईचारगी को ये बड़ी नफरत से देखते हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पुरमन रहिए और याद रखिए कि अमन बीजेपी और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देगा, तशद्दुद बीजेपी और फिस्ताई ताकतों को कामयाब करेगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हम जुमे को पुरमन तरीके से मनाएं। देखा आपने, जो चैनल्स, जो गोदी मीडिया अभी तक ये चला रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी दंगइयों के साथ हैं, उनका समर्थन दंगइयों को मिल रहा है, इस तरीके की खबरें तमाम चैनलों पर चल रही थी, तमाम हेडलाइंस चल रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी इस हैदराबाद में हुए बयान के ऊपर अब राजनीति खेल रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कोई ही ऐसा वीडियो रहा होगा दोस्तों जिसमें उन्होंने अपने लोगों से, हैदराबाद के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील ना की हो। इस वीडियो में भी आपने देखा कि जुम्मे पर कोई भी नारा ऐसा ना दिया जाए
जहां दूसरे को, आप समझ रहे होंगे कि किन दूसरे की बात हो रही है, उन्हें मौका मिल जाए कि फिर से दंगे को और हवा दी जाए और हैदराबाद की हवा को खराब किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी का आपने ये वीडियो देखा, टी राजा सिंह की दोबारा से गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे पूरे एक साल तक, ये जो पीडी एक्ट है इसके तहत एक साल से पहले जमानत नहीं हो सकती है। टी राजा सिंह लंबे अंदर गए हैं, लेकिन उससे पहले आग लगा गए हैं। आपको मैंने उनका वो दूसरा वीडियो भी दिखाया जहां धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे टी राजा सिंह, बोल गए हैं, बता गए हैं कि धर्म की लड़ाई चलती रहेगी। दोस्तों, क्या पहली बार मुसलमान और हिंदू एक साथ रह रहा है? कब से हिंदू मुसलमान साथ रह रहा है, तब धर्म खतरे में नहीं था, लेकिन आज जब बीजेपी सत्ता में है और जब से सत्ता में है तब से ही राम वापस आए हैं और दूसरा धर्म खतरे में है और इस धर्म को सिर्फ बीजेपी बचा रही है, लोगों के दिमाग में, जहन में जहर घोल रही है, या यूं कह लें कि अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए धर्म का ये पूरा घेरा बनाया जा रहा है कि कोई भी पहले इस धर्म के घेरे को क्रॉस करेगा फिर उसकी कुर्सी को हिला पाएगा। लेकिन ये धर्म का घेरा इतना ज्यादा गहरा होता जा रहा है जिसे क्रॉस करना किसी भी विपक्ष के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि हैदराबाद के अंदर नफरत का बीज जो बोया गया, धर्म की आग जो लगाई गई, ये वही जो मैं आपको शुरुआत में बोल रही थी कि दो लोग होते हैं, दो तरह की राजनीतिक पार्टियां होती हैं, एक जो जीतती है, दूसरी जो जिताती है। और हैदराबाद में जो हुआ, जो चिंटू जो अपने आका के हुक्म का पालन कर रहा था और नफरत फैला रहा था, वो फिर से जेल जा चुका है। टी राजा सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ये एक राजनीति के चक्कर में असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं या अपने लोगों के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपनी आवाज उठा रहे हैं? बीजेपी पर आपका क्या कहना है? हैदराबाद में बीजेपी का क्या प्लान है? आपके जहन में क्या आ रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाल। धन्यवाद।